हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर, हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो एक नेटिव। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ऐसा बहुत ही कई बार होता है कि हमें व्हाट्सएप पे ऐसी ढेर सारी इमेजेस आती हैं जिनको हम कभी डाउनलोड नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम क्या है, हमारे फ़ोन पे ऑटोमेटिकली वो पहले से ही डाउनलोड हो जाती हैं और फिर हमें क्या होता है कि वो हमारे फ़ोन पे स्टोरेज भी लेती ही रहती हैं। अब ऐसे में अगर हम ये चाहते हैं कि बिना मेरे क्लिक किए हुए कोई भी वो इमेज डाउनलोड ना हो, तो वो आप सेटिंग करेंगे कैसे, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, जिससे कोई भी छोटी फाइल होगी, कोई इमेज फाइल है जो कि अपने मन से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कोई सेंड करता है आपको, अगर आप नहीं चाहते हो कि वो डाउनलोड हो, जब आप उस पर क्लिक करें तभी डाउनलोड हो, तो वो आप कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। उसके लिए सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको थ्री डॉट्स पे चले जाना है। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स पे, एंड देन सेटिंग्स पे जाने के बाद ध्यान रखिए ये ट्रिक आपकी व्हाट्सएप पे भी काम करेगी। आपको उसके बाद जाना है स्टोरेज एंड डेटा पे। जैसे आप स्टोरेज एंड डेटा पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आपको ऊपर वाला ऑप्शन तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अब आपको करना क्या है, आपको ऑटो डाउनलोड को डिसेबल करना है, या फिर आप ये चाहते हैं कि जब आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तभी आपका ऑटो डाउनलोड हो, या फिर आप ये चाहते ही नहीं है कि कभी भी कोई फाइल अपने मन से डाउनलोड हो जब तक आप उस पर क्लिक ना करें, उसके लिए नीचे ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग, यहाँ पे ऑटो डाउनलोड ऑप्शन पे हम हैं, व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, कह रहा है जब हम मोबाइल का डेटा यूज कर रहे हो तो फोटोज अपने मन से डाउनलोड हो जाए। अगर आप चाहते हो कि फोटोज भी अपने मन से डाउनलोड ना हो जब तक हम उस पर क्लिक ना करें, तो आपको बस करना ये है कि आपको यहाँ से टिक हटा देना है और कर देना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो चाहे आप फोन का डेटा हो या जैसा जो कुछ हो, अगर कोई भी आपको कोई इमेज भेजेगा तो अपने मन से डाउनलोड नहीं होगी जब तक आप उस पर टैग नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस है, अगर कोई वाईफाई पे आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे सेटिंग है कि सारी चीजें अपने मन से डाउनलोड हो जाएंगी, कोई भी फोटो होगी, कोई भी ऑडियो होगा, कोई भी वीडियो होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल होगी। जैसे ही आप वाईफाई के थ्रू किसी से भी कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली सारी फाइलें अपने मन से डाउनलोड होने लगेंगी। तो अब यहाँ से भी अनटिक कर सकते हैं आप, जिन जिन चीजों को अनटिक कर देंगे तो क्या होगा, वो चीजें ऑटो डाउनलोड नहीं होंगी फिर से, और इसके बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारा स्टोरेज जो आपका भरता है प्लस जो डेटा वेस्ट होता है, आप उन सारी चीजों से अपने फोन को रोक सकते हैं। तो आई एम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी, करना क्या है, कैसे करना है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।